अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मी फाइव कसन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिजाब ट्यूटोरियल काफ़ी दिनों बाद। और इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 हिजाब स्टाइल्स दिखाऊंगी करके, जो विदाउट पिन है। इसमें किसी भी पिन की ज़रूरत आपको नहीं है, आप एवरीडे पे भी ये पहन सकती हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकती हैं। इवन समर्स में भी आप इस तरह का स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है जब आपको कैरी करना और पिंस लगे हों तो फिर और भी मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों के लिए 5 से 6 स्टाइल लेकर आई हूँ। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप कर सकती हैं फॉलो, उसी स्टाइल को फॉलो कर सकती हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे हिजाब ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी स्टाइल का आप पहनना चाहती हैं, वहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स देख सकती हैं। एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पे भी मेरे काफ़ी हिजाब ट्यूटोरियल्स अपलोडेड हैं। अगर आपका चबी फेस है राउंड फेस है, उसको थोड़ा सा पतला दिखाने के लिए हिजाब के थ्रू, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। काफ़ी सारे हैं, मैं सबकी लिंक्स वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट स्टाइल में मैं ये यूज़ कर रही हूँ हिजाब। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है, लॉन है, और आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। नॉर्मली डेली बेसिस पे मैं इसी तरह का स्टफ़ जो है वो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये फिसलता भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल भी होता है, स्पेशली समर्स में। एज़ कम्पेयर टू जब आप जॉर्जेट या शिफॉन इस तरह के पहनते हैं तो वो बहुत फिसलते हैं और तंग करते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर, तो आप इसके नीचे इनर कैप पहने ताकि वो आपके सर पर टिका रहे, अगर आपको विदाउट पिन पहनना है तो। मैंने इसको इस तरह से दोनों साइड्स मैंने इसके इक्वल ली थी। एक साइड को मैं पीछे से घुमा के आगे ले आई अपोजिट साइड पे, और आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें, नहीं तो आप इस तरह से कर लें जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इससे होगा ये कि आपका जो हिजाब है वो और सिक्योर हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो उसको मजबूत करने के, उसको सिक्योर करने के लिए कि वो आपके खुले नहीं, तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। आपके ऊपर चॉइस है कि जो आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, चाहें तो आप पिन यूज़ कर लें अगर आप जॉर्जेट या शिफॉन यूज़ कर रही हैं तो। सेकंड स्टाइल है वो भी बहुत सिंपल है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियाँ इसको फॉलो करती होंगी। बहुत आसान और एवरीडे हिजाब स्टाइल है ये, और विदाउट पिन बेस्ट है। इवन आप अगर शिफॉन जॉर्जेट भी पहनते हैं तो उसमें भी आप आराम से ये कर सकते हैं। दोनों साइड्स इसकी मैंने सेम ली थी, इक्वल ली थी। एक साइड को, मतलब ये दोनों साइड्स को आपने अपोजिट डायरेक्शन पे डाल लेना है, एक को एक साइड पे, एक साइड पे। एंड बेस्ट है ये फॉर एवरीडे। सारे जो ट्यूटोरियल्स आप देखेंगे, 4-5 स्टाइल्स एवरीडे हिजाब स्टाइल है। और दूसरा ये कि अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और आप हिजाब पहनती हैं और आप कॉलेज वगैरह, तो जो भी आपका काम है, आराम से आप ये विदाउट पिंस ये स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। चाहें तो अगर आप थोड़ा सा इसको और कवर करना चाहें तो इस तरह से आप कर लें, इनको शोल्डर से गिरा दें ताकि वो थोड़े से आपकी साइड्स और ज़्यादा कवर हो जाएंगी। तो चाहे वो फॉलो कर लें, चाहे इस तरह से पहन लें। बहुत सारे आपके पास जो है आइडियाज़ आते हैं जब आप पहनना शुरू करते हैं या स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं, तो माइंड में और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था स्टाइल नंबर 2, जो कि आप आराम से फॉलो कर सकते हैं फॉर एवरीडे। स्टाइल नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि आप विदाउट पिन कौन सा और मज़ीद स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। और इसमें भी आपने करना यह है कि इनर कैप अगेन ऑप्शनल है। इसकी एक साइड जो है वो मैंने बहुत छोटी रखी है और इसको मैंने पीछे अपनी शर्ट के अंदर टक इन कर लिया। आप चाहें तो अंदर पिन लगा लें, नहीं तो आप अपनी शर्ट के अंदर इस तरह से टक इन कर लें, क्योंकि ये आपने पीस, ये वाला साइड बहुत छोटा रखना है। इस तरह से आप इसको अच्छे से अंदर टक इन कर लें अच्छी तरह, ताकि वो अंदर सिक्योर हो जाए, बाद में निकले नहीं। और फिर जो बड़ी वाली साइड है उसको आप इस तरह से आप पहन सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हम नॉर्मली दुपट्टा पहनते हैं, वो वाला स्टाइल है। लाइक अगर कुछ लड़कियाँ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती हैं, उनको चेस्ट भी अपना कवर करना होता है या थोड़ा सा उनको जो है फैला के पहनना होता है, तो आप इस तरह से पहन सकती हैं। और आप चाहें तो इसको पीछे से घुमा के आगे ले आएँ, या फिर आप इसको, मैं एक और स्टाइल भी साथ ही में बताऊँगी, आप उस तरह से भी कर सकती हैं। बहुत सिंपल और बेसिक सा हिजाब स्टाइल है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत कॉमन है और काफ़ी लड़कियाँ इसको करती भी हैं। ये सिक्योर भी रहेगा, निकलेगा भी नहीं, और आप इसको इस तरह से भी कर सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हैं कि शोल्डर पे आ रहा है बार बार, तो आप इसको कम्प्लीटली इस तरह से पीछे कर दें, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने हिजाब स्टाइल्स में भी आपको 2-3 तरह से करके दिखाया है कि आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर लें, वो आपकी चॉइस है कि आप किस में कम्फर्टेबल हैं, एंड दैट्स इट।
स्टाइल नंबर 4। और इसमें जो है आपको मैं करके दिखाऊंगी, मैं भूल गई मैं क्या करके दिखाऊंगी। तो इसमें आपने सबसे पहले तो आप इनर कैप जो है आपकी चॉइस है कि आप इसको कवर कर दें या आप नज़र आए आपको इशू नहीं है तो भले आप ऐसे ही रखें। तो एनीवेज मैं भूल गई थी कि मुझे क्या करना है, तो मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सा स्टाइल करना था इस बार। ये बहुत सिंपल और बेसिक सा स्टाइल है जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, और ये झटपट वाला एक्चुअली, जहाँ आपको अचानक पता चलता है कि आपको बाहर जाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और एलिगेंट सा भी लुक आता है और ये सिक्योर भी रहता है। इवन अगर आप कोई और फैब्रिक भी पहने हुए होते हैं तो उसमें भी ये फिसलता नहीं है। स्टाइल नंबर 5। और ये वाला जो स्टाइल है इसके साथ आप एयररिंग्स भी पहन सकती हैं, वो नज़र आते हैं। और मैंने अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में इसको फॉलो भी किया है। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने एक साइड छोटी रखनी है, एक साइड बड़ी रखनी है। छोटी साइड को शर्ट के अंदर टक इन कर लेना है, बट ख्याल रखिएगा कि आपकी जो नेक है वो थोड़ी खुली हुई है। ये स्टाइल समर्स के लिए भी बेस्ट है, गर्मियों में आप जैसे अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं कि आपकी नेक पे पिन ना लगी हुई हो या थोड़ी सी नेक आपकी खुली होता है कि हवा लगे, तो उसके लिए आप इस तरह से पहन सकते हैं। आप इसको नेक से थोड़ा सा खोल के रखें, देन इसको आप अपोजिट डायरेक्शन पे ले आएं। और अगर आपके साथ इसके साथ आप अगर बड़े एयरिंग्स पहनते हैं तो वो भी बिल्कुल आराम से नज़र आते हैं। इसी में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको अपने चेस्ट कवर करने हैं तो आप इसमें जो ये मैंने साइड बड़ी वाली है जो मैं एक साइड पे लेकर आई हूँ, इसको आप अंदर ले जाके शर्ट के अंदर टक इन भी कर सकते हैं, तो आपका जो आगे का पार्ट है वो पूरा हाइड हो जाएगा, कवर हो जाएगा इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो। तो ये बहुत बेस्ट है और सिंपल से सारे सारे लुक हैं। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगा और कौन सा स्टाइल आप फॉलो करने वाली हैं, पहनने वाली हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे हिजाब ट्यूटोरियल्स अपलोड करती रहती हूँ। और जो मैंने यूट्यूब पर हिजाब ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं रिसेंटली, उनके भी लिंक्स मैं लास्ट में दे दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल, और क्या कंटेंट मज़ीद आप देखना चाहते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।